हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज एक न्यूमेरिकल करते हैं इको से, है ना। तो न्यूमेरिकल में तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है जिससे आपको मिस्टेक कम हो, क्योंकि आईसीएससी थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। बेसिक्स आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक्स है वो समझने पड़ेंगे। इको का न्यूमेरिकल कन्फर्म में आएगा, है ना, हमेशा आता है। तो यहाँ पर एक मेरे स्टूडेंट ने भी पूछा है ये वाला सॉल्व करने के लिए, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन। अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन ए एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द क्लिफ, ओके, हियर्स टू साउंड्स ऑफ शॉट्स, फायर शॉट्स After 2 seconds and 3 seconds respectively, calculate the values of x and y. Speed of sound is given in that medium. ठीक है, तो अभी इसको सबसे पहले जब न्यूमेरिकल होता है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको यदि डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना, तो डायग्राम अच्छे से बना लेना है। तो डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ये क्लिफ है, क्लिफ आपको क्लिफ बनाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्ट्रेट वर्टिकल लाइन कर लीजिए, है ना। यहाँ से एक पर्सन है ए, पर्सन ए एट द डिस्टेंस एक्स, तो इतना खड़ा है, ठीक है। अभी पर्सन बी बिहाइंड है, जस्ट बिहाइंड, तो यहाँ पर ये खड़ा है बी एट द डिस्टेंस वाई। अभी ये जो वाई है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये फ्रॉम द क्लिफ लिखा है, तो कभी कभी हम यहाँ से ये ले लेते हैं वाई, है ना, क्योंकि ये तो एक्स ले लिया, अब ये वाई ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द क्लिफ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे ऐसे के क्वेश्चंस क्लियरली बड़े बड़े करके काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिए रहते हैं, है ना, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, तो आप अच्छे से उसको ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं पढ़ने से आप मिस करेंगे, ओके। तो ये वाई फ्रॉम द क्लिफ, तो अभी ये फायर करता है, फायर द पर्सन ए फायर्स द गन, यहाँ से फायर करेगा। अभी ये यहाँ खड़ा है, तो एक जो है वो डायरेक्ट साउंड सुनाई देगा, सिचुएशन ऐसा है, तब ये डायरेक्ट साउंड सुनाई देगा पहले, है ना। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जो दूसरा साउंड है वो आगे जाएगा, फिर क्लिप से रिफ्लेक्ट करके आएगा, so that sound has to travel longer distance, so this 3 seconds will be the sound heard which is reflected from the cliff. तो ये आप याद रखिए, and the sound heard after 2 seconds is the direct sound from A to B. तो ये point आपको यहाँ पर समझना है। तो इसका मतलब ये 2 seconds इधर time लगा, है ना, और ये 3 seconds क्या है, जाने का और आने का टोटल, है ना, इसके लिए 3 seconds लगा, ये जाने का फिर आने का, ये टोटल लगा 3 seconds। अभी इसको न्यूमेरिकल्स फार्मूले में यूज़ करेंगे। अभी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इको का प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो है डी इज इक्वल टू वी टी बाई टू लगा देंगे, या वी इज इक्वल टू टू डी बाई टी लगा देंगे, है ना। तो ये फार्मूले हैं, ये सही है, तो ये फार्मूला कब लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन आजकल आईसीएससी थोड़ा ट्रिकी करने लगा, तो इस विषय में, तो ये फार्मूला जब होगा तो सोर्स यहाँ है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर है, और लिसनर भी यहीं पर है, सोर्स भी यही है, लिसनर भी यही है, तो जितना डिस्टेंस वो आगे गया उतने ही डिस्टेंस ये बैक भी आया, इसलिए हम 2D ले लेते हैं यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस इज 2D। लेकिन इस केस में देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर लिसनर है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि डायरेक्टली आप वो फार्मूला आप लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अभी क्या करना है फिर, तो नॉर्मल फार्मूले से आप सॉल्व कीजिए। तो ये फार्मूला जो है, जब इको का फार्मूला है सही है, लेकिन सेम प्लेस में होना चाहिए, जहाँ से साउंड गया रिफ्लेक्ट होके वहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहला साउंड है वो इको नहीं है, दिस इज़ डायरेक्ट साउंड एंड इट इज़ ट्रैवलिंग ओनली वन वे, है ना, एक ही साइड में, इसमें डबल है,
जाना आना, इसलिए ये फॉर्मल लगते हैं, टू का फैक्टर आता है ना। तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम खाली लगा देंगे। अभी डिस्टेंस क्या हुआ ये, तो आप ध्यान दे सकते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ x, यहाँ से लेकर यहाँ y, सो दिस विल बी y माइनस x। देखिए तो इससे रिलेटेड कीजिए, सो y माइनस x, वेलोसिटी 320, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स। सो y माइनस x इज इक्वल टू 640। तो ये देखिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंड जो साउंड है, अभी वो साउंड है यहाँ से क्लिप में गया x, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके b में आ गया, पूरा y ट्रैवल कर रहा है y, तो इसका मतलब y प्लस x या x प्लस y इज इक्वल टू वेलोसिटी 320 है अभी भी, लेकिन टाइम जो है अभी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लग गया, 3 सेकेंड्स। सो y प्लस x इज इक्वल टू 960। सो ये दूसरा इक्वेशन, तो अभी ये दोनों इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर दीजिए। सो y माइनस x इज इक्वल टू 640, y प्लस x इज इक्वल टू 960। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, तो कैंसिल कीजिए, 2y इज इक्वल टू 1600, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2y इज इक्वल टू 1600, y इज इक्वल टू 800, है ना। अभी इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, तो इसको पुट करके सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 160 मीटर आ गया, फिर x इज इक्वल टू 160 मीटर, y इज इक्वल टू 800 मीटर, इस तरह से सेपरेटली आंसर लिख दीजिए आंसर स्क्रिप्ट में, ताकि एग्जामिनर अच्छे से देखेगा, आंसर आपको फुल मार्क्स दे देंगे। ठीक, थैंक यू।